ये पूरा समुंदर चल रहा है साथ, हम लोग पहाड़ के टॉप पर है अभी। Attention, speed slow, drive carefully, keep right and use. सुबह रात में मैं यहाँ पर कैंप लगाने का सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ देखो पानी आया हुआ था। ये सामने कुछ गवर्नमेंट के क्वार्टर्स है, रात मैंने यहीं पर गुजारी है। एक हमारे पाकिस्तानी भाई थे इफ्तिखार भाई, उन्होंने मुझे स्पेस दिया यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आज की जो हमारी राइड है दलखत ओमान से लेकर सलाला तक की, ये वापसी हम लोग मस्कत की तरफ अब निकल रहे हैं यहाँ से। और दूसरा एक है अल मुक्सिल बीच है, तो इंशाल्लाह ये दोनों एरियाज़ कवर करने हैं और फिर वहाँ से वापस सलाला के लिए। और अगर थोड़ा बहुत टाइम बचिए हमारे पास तो हम लोग इंशाल्लाह सलाला के अंदर ऊपर पहाड़ों में भी जाने का इरादा है। दुलखुद बेसिकली एक गांव है, लेकिन 200-300 घर है इसमें भी, लेकिन हर चीज़ है इधर। बैंक भी है, ये बैंक है, मतलब बैंक भी ऑपरेशनल है भाई, सिर्फ एटीएम नहीं है। पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, ग्रॉसरी वगैरह सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा है इधर। ये पूरा समुंदर चल रहा है साथ, हम लोग पहाड़ के टॉप पर है अभी। यहाँ पर कल पूरे बादल थे शाम के टाइम पर, अब यहाँ से जाना है हमें बिल्कुल नीचे और फिर जाना है बिल्कुल ऊपर। दो दफ़ा ऊपर नीचे हमें करना है यहाँ से, एक दफ़ा बिल्कुल नीचे जाना है, फिर बिल्कुल ऊपर आना है, फिर बिल्कुल नीचे जाना है, फिर बिल्कुल ऊपर आना है। ट्रक वाले ने भी पानी कहाँ पे गिरा कर जा रहा है चढ़ाई पर, तो गाड़ी ना आ रही होगा सामने से। Attention, speed slow, drive carefully, keep right and use heavy gates. Again, अब हमें दोबारा जाना है नीचे। नीचे मिलनी है हमें एक चेक पोस्ट, सामने का व्यू चेक करें। ये ऑलमोस्ट हम लोग अभी मुक्सिल बीच की तरफ है।
ये यहाँ पर अभी पार्किंग वगैरह का काम चल रहा है क्योंकि ठीक ठाक टूरिस्ट आता है इधर खरीफ के मौसम में। उनकी हालांकि रोड बाइक है, मैं उनको भी लेकर आ गया, मैंने कहा आ जाओ। तो मुक्सिल बीच के ऊपर जो हमारा स्टॉप था वो होता है ख़त्म, क्योंकि अभी मुक्सिल बीच के ऊपर इतना रश नहीं है क्योंकि खरीफ का मौसम ख़त्म हो चुका है मानसून का, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी काफ़ी चल रहा है, तो लोग इस चक्कर में भी नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने ये रोड ब्लॉक करा हुआ है। और अभी हम लोग चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक इनका काफ़ी बड़ा सा अबेंडेड शिप है, वो सी के अंदर रुका हुआ है काफ़ी अरसे से, मतलब वो है अबेंडेड है। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं वहाँ पे, चलकर थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं और ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं। अभी हम लोग आए अबेंडेड शिप देखने के लिए, बड़ा ही गंदा रास्ता है भाई, गो अप राइट, अप एंड बादन राइट, ओके ओके। फोर बाई फोर ओनली 4x4। Very bad road. I will just check this one. No. Tani road, Tani. गलत फटिक ले ली वासी साहब आपने, गलत फटिक ले ली।
लोग कब से अबेंडेंट जो शिप है उसको ढूंढने की मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। इतनी गंदी ऑफ रोडिंग तो नहीं थी, इसको बोलते हैं ग्रेवल रोडिंग। इतने मोटे मोटे पत्थर, अल्लाह माफ़ करे, 2-3 दफ़ा बाइक गिरते गिरते बची है। लेकिन अभी इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर ड्रोन उड़ाना है लाजमी, क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले ही वो शिप आकर वहाँ पे ब्रेक हुआ है। ब्रेक क्या हो गया, बस वहीं पर आकर रुक गया, उसके बाद उसको लेकर नहीं गए ये लोग। तो फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद और काफ़ी मतलब 20-25 किलोमीटर की ख्वारी के बाद सही रास्ता मिल गया हमें, क्योंकि 2-3 रास्ता दिखा रहा था और एक रास्ते पे आप चले जाओ तो 10 किलोमीटर की ख्वारी है आपकी। उम्मीद है कि ये रास्ता ठीक हो। टू फार कम किलोमीटर, यस आई विल गो। ओके, अबेंडेंड शिप वाला तो सीन कैंसिल कर दिया, क्योंकि 4x4 के अलावा गाड़ी जाना बहुत मुश्किल है। कोशिश करी काफ़ी मैंने, काफ़ी आगे तक लेकर गया, मतलब उसके मेन टॉप से 2 या 3 किलोमीटर पहले। मैंने कहा भाई विड्रॉ कर लो इससे पहले कि कोई और मसला हो, क्योंकि नेविगेशन भी काम नहीं कर रही उधर, बड़ा मसला था। अल दहरीस बीच, बड़ा खूबसूरत बीच बनाया हुआ है। अरे कॉफ़ी शॉप ये, सो आज का ब्रेकफास्ट अभी कर रहा हूँ मैं 11 बजे के करीब, और इसके अमेरिकन ब्रेकफास्ट है, ये टोस्ट है, हॉट डॉग्स है, आमलेट है, और ये बीन्स है कुछ जो आप देख सकते हैं। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट 11 बजे और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आगे की तरफ निकलते हैं।